Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see CSS models in our React series. Yeah guys, so today's video is very awesome because I am going to tell you how you can use basically CSS models. But first of all, if you haven't checked out the rest of the playlist, please check out because all of them are connected with each other. And if you look at all of them, we have made so awesome cards on Netflix. And nothing we have done hard code, everything is automatic here in the loop, which is very awesome. Alright. तो ये जो कुछ भी अभी तक हमने किया ना, अब इसको मैं आज सिर्फ इस एक वीडियो में, जो पिछले तीन दिन से हम कर रहे थे, पहले क्लास नेम, इनलाइन सीएसएस, देन कंडीशनल स्टाइलिंग, इन तीनों को मैं आज एक ही दिन में विद द हेल्प ऑफ सीएसएस मॉड्यूल्स आपको ये पूरा स्टाइलिंग करके बताऊंगा। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो वी आर इन आवर सीएसएस मॉड्यूल्स इन रिएक्ट जेएस। तो क्या होता है ये सीएसएस मॉड्यूल्स, देख लीजिए। एवरी टाइम देखो, कोई भी अगर हम यहाँ ग्लोबल फाइल क्रिएट करते हैं, इफ यू रिमेम्बर, अगर हम कोई भी ग्लोबल अगर हम जब भी index.css फाइल पे काम कर रहे हैं, मैंने उसी समय बताया था ये आपका ग्लोबल फाइल है। इवन आप app.css भी लिखते हो, ये भी आपका काइंड ऑफ ग्लोबल फाइल ही है। इस कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आपने जो भी लिखा है लेबल या आपका सपोज ये रूट में आपने जो भी वैल्यू दी है, कंटेनर, जो भी क्लास आप यूज करो, आप कोई भी कंपोनेंट में या कोई भी फाइल में इस क्लास को आप यूज कर सकते हो। ग्लोबल सीएसएस में ये होता है, बट सीएसएस मॉड्यूल्स हेल्प you keep styles specific to the component they are used in. CSS modules का हम इसलिए use करते ताकि let's imagine अभी हम Netflix series के साथ काम कर रहे थे, उसमें मैंने series card को call किया हुआ है। हो सकता है कि series card में कुछ ऐसे classes है जो conflict होंगे मेरे आगे जाके project में। कहने का मतलब है कि यहाँ पे Netflix का cards में create करूँ, आगे जाके मैं let's say Amazon Prime के जो videos है उनके cards को create करूँ, आगे जाके मैं Hotstar के जो cards है उनको click create करूँ। सो आई होप गाइस आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे क्लास नेम जो मुझे बार बार अलग अलग जगह पे लगने वाली है एंड हर बार उस क्लास नेम को मैं थोड़े डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देना चाहता हूँ, है ना, तब वहां पे आप सीएसएस मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हो। इट्स लाइक कि जो भी आप उस पर्टिकुलर फाइल पे डिफाइन करोगे या जिस भी कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करोगे वो सिर्फ उस कंपोनेंट को ही अप्लाई करेगा, उसके बाहर अगर आप वही सेम क्लास नेम यूज करते हो वहां पे वो अप्लाई नहीं होगा। तो एक प्राइवेसी के लिए सबसे बेस्ट है कि जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट या फाइल को चाहिए उस फाइल का अपना एक सेपरेट मॉड्यूल्स क्रिएट करो। एंड रिएक्ट कहता भी यही है, लाइक इन रिएक्ट एवरीथिंग इज कंपोनेंट, तो कंपोनेंट में भी आपका एचटीएमएल फाइल अलग एचटीएमएल फाइल तो होता ही नहीं है, आपका जेएसएक्स फाइल एक अलग बनाओ एंड उस जेएसएक्स फाइल के लिए एक सेपरेट सीएसएस फाइल बनाओ एंड वो जो सेपरेट सीएसएस फाइल है वही आपका मॉड्यूल डॉट सीएसएस फाइल होता है। इट मींस कि सिर्फ वो उस पर्टिकुलर जेएसएक्स फाइल को ही अप्लाई करेगा, बाकी कहीं वो अप्लाई नहीं करने वाला। मैं आपको बताता हूं कैसे। फिलहाल ये वाला जो पार्ट था ये तो नॉर्मल है, कल के दिन मैंने इवन ये जो netflix.css में जो भी मैंने यूज किए उसको मैं बाकी कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ इंपोर्ट करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप मैं क्या करता हूँ। एक काम करते हैं, अब हम सबसे पहले ये जो भी मॉड्यूल्स आप क्रिएट करते हो इट इनकैप्सुलेट इट स्टाइल्स प्रिवेंटिंग अनइंटेंडेड स्टाइल विद कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर मॉड्यूल्स, जो मैंने आपको बता दी क्यों हम यूज करें। तो गाइस यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है एंड इंटरव्यू वाले में भी आपसे पूछ सकते हैं, एंड दैट इज कि जब भी आप सीएसएस मॉड्यूल यूज करते हो एंड उसमें जब आप कोई क्लास नेम देते हो तो क्या उसकी वैल्यू चेंज होती है या वो एग्जैक्टली सेम रहता है। तो इसका गाइस आंसर है हाँ, उसकी वैल्यू वो यूनिक बना देता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ये ध्यान में रखने वाली बात है। एंड और भी चीजें कि अब हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस फाइल। अभी तक हम जो भी फाइल क्रिएट कर रहे थे netflix.css, thapa.css, home.css, footer.css, मतलब हम खाली .css लिख रहे थे, बट नाउ एक्सटेंशन चेंज होने जा रहा है। वी नीड टू राइट जो भी फाइल का नाम होगा डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, सिंपल, अगर आप सास के साथ काम कर रहे हो तो .scss आप लिख सकते हो। देन वी नीड टू इम्पोर्ट डॉट सीएसएस फाइल, एक्सेस क्लास नेम्स एज प्रॉपर्टीज ऑफ द इम्पोर्टेड स्टाइल्स ऑब्जेक्ट। बिलीव मी गाइस, अभी आपको बहुत ईजी लग रहा बट ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि हर एक क्लास अब आपका एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट होगा स्टाइल्स ऑब्जेक्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। देन एक्सेस क्लास नेम एज प्रॉपर्टीज, देखो यहाँ पे, ऑफ द इम्पोर्टेड स्टाइल्ड ऑब्जेक्ट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नाउ कंबाइन मल्टीपल क्लासेस नेम्स यूजिंग टेम्पलेट लिटरल्स। तो आई होप मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि अब आपको जब भी मल्टीपल क्लास नेम्स एक साथ लिखना हो, ठीक है, देन वी नीड टू यूज टेम्पलेट लिटरल्स, क्योंकि अब जो भी हम कुछ लिखते हैं वो एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है एंड कर्ली ब्रेसेस आपका जावास्क्रिप्ट की दुनिया है एंड व्हेन इट कम्स टू योर जावास्क्रिप्ट की दुनिया उसके अंदर ये सब आपके ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहे हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वहां पे फिर आपको वही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है। एंड
डायनामिक अप्लाई क्लास नेम्स बेस्ड ऑन कंपोनेंट स्टेट और प्रॉप्स, ये जो दो पार्ट है ये एंड देन ये वाला जो पार्ट है ना अभी जो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गाइस, एक सेकेंड ये ठीक रहेगा। तो ये जो दो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो थोड़ा सा पीछे का आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं आपको बताऊंगा। एट द एंड में मैं एक टास्क भी आपके साथ आज कवर करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। या एट द एंड में एक ऑसम टास्क भी मैं कवर करूंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ऑल राइट, तो ध्यान से देख लीजिएगा मैं क्या करता हूँ। सो वी हैव दिस नेटफ्लिक्स सीरीज, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। तो वी हैव दिस नेटफ्लिक्स डॉट सीएसएस फाइल, ठीक है। इन सबको मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं कंपोनेंट पे ही चल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंपोनेंट पे ही चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा नेटफ्लिक्स डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। सो आप देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया, मैं जस्ट नेटफ्लिक्स, ध्यान से देखिए ये दोनों सेम है, एक में बस मैंने मॉड्यूल ऐड कर दी, दूसरे में मॉड्यूल ऐड नहीं है, राइट। तो मैं अब एंटर हिट कर रहा हूँ, परफेक्ट, एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो जो मेरे नेटफ्लिक्स डॉट सीएसएस के अंदर जितने भी मेरे कोड्स थे, आई मीन स्टाइलिंग वाले सीएसएस के, उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, बेसिकली कॉपी पेस्ट। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको भी मैं हटाता हूँ। ऐप डॉट सीएसएस की मुझे फिलहाल कोई नीड नहीं है, ऐप डॉट जेएस की भी मुझे कोई नीड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने नेटफ्लिक्स डॉट सीएसएस को इंपोर्ट किया हुआ है, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ, आई मीन मैंने इसको कमेंट कर दी। अब मेरा वो जो मॉड्यूल डॉट सीएसएस वाला फाइल है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ डायरेक्टली डॉट। ऑल राइट, आपको कंपोनेंट के अंदर जाना पड़ेगा, देन नेटफ्लिक्स, है ना, ध्यान से देखिए, नेटफ्लिक्स डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, दिस इज इट। तो पहला तो आपको डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस करके एक फाइल बनाना होगा, सेकेंड आपको अगर इम्पोर्ट करना है तो डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस ही लिख के आपको इम्पोर्ट करना होगा। ये दो स्टेप्स थे। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, नॉट ओवर हियर, ओवर हियर, एंड यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, आप देखो कि कोई चेंज नहीं है। या देर इज वन चेंज एंड दैट इज किसका बॉक्स शैडो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऑल राइट, कोई नहीं, वो हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट आपको पता चल गया कि ऑलमोस्ट इतना कुछ चेंज आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसका कंडीशन जो हमने किया था वो भी गायब हो गया, बट फिर भी काम कर रहा है। ऑल राइट, ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं। मैं चलता हूँ मेरे नेटफ्लिक्स सीरीज पे। मैं कहाँ चल रहा हूँ गाइस, मैं अपने नेटफ्लिक्स सीरीज पे चलता हूँ। एंड या सॉरी, मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो अब आप एकदम ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं। अभी मुझे अब उसको यूज करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि हमने क्लास नेम यूज की हुई है, ठीक है। लेकिन जब भी आप मॉड्यूल्स यूज करते हो ना सीएसएस मॉड्यूल्स, तो क्लास नेम में आप ये जो भी क्लासेस के नाम है ये आप डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लिख सकते। सो अब हमें क्या, अब आई मीन अब हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, टॉप पे चलिए। वी नीड टू इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम आवर डैट पर्टिकुलर पार्ट नेटफ्लिक्स डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। तो अब आपको पता चला एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो रहा है यहाँ पे, जहां पे अब आपको स्टाइल्स, बाय द वे यहाँ पे आप चाहो तो थापा भी लिख सकते हो, कोई मतलब अपनी मर्जी, आप यहाँ पे कुछ भी लिख के आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हो। नाउ ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, यू नीड टू मेक श्योर कि जैसे ये मेरा कार्ड है ना, कार्ड पे मैंने याद है वो आई मीन बॉक्स ऐड दी थी एंड अब फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि जब आप मॉड्यूल यूज करते हो आप डायरेक्टली क्लास नेम नहीं लिख सकते। अब ये आपके यहाँ देखो ना क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, एक्सेस क्लास नेम्स एज प्रॉपर्टीज। आई होप अब आपको पता चल गया, यहाँ पे वी नीड टू एक्सेस द क्लास नेम्स एज प्रॉपर्टीज ऑफ द इम्पोर्टेड स्टाइल्स डॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको एक्सेस करना होता तो हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट दैट प्रॉपर्टी नेम, यहाँ पे भी वही है। एंड व्हेन इट कम्स टू योर ऑब्जेक्ट, ये तो जावास्क्रिप्ट है, तो मुझे वापस अब जावास्क्रिप्ट की दुनिया में आना पड़ेगा एंड स्टाइल्स डॉट कार्ड मुझे लिखना पड़ेगा, दिस इज इट। तो पहले मैं कुछ इस तरीके से क्लास नेम्स को डिफाइन कर रहा था या एड कर रहा था आप कह लीजिए। अब ना विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल्स डॉट सी एस एस मुझे उसको पहले तो इम्पोर्ट करना पड़ता है एंड देन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करके स्टाइल्स डॉट कार्ड लिखना पड़ता है। मैं अगर इतना करता हूँ एंड बूम गाइस, सी फाइनली वी आर गेटिंग, सी मेरा ये मेरा काम हो गया। देखो अब थोड़ी देर पहले मुझे नहीं मिला था बट अभी मिल रहा है। एंड ऐसे अभी भी बहुत सारी चीजें जो मुझे टेक केयर करनी है। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, जहां जहां क्लास नेम है देयर वी हैव अ क्लास नेम, और तो कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। चलो ये वाली जो क्लास नेम है यहाँ पे भी मैं चलता हूँ स्टाइल्स एंड बाय द वे या। अब देखो गाइस यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना, पहले वो एक स्ट्रिंग्स था बट नाउ वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। क्लास नेम यहाँ पे आपके लिए एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है,
सो दैट्स वाई अब मुझे इसको भी इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये है ना कितना ज्यादा ऑसम दोनों सेम ही लग रहे हैं बाय द वे। अगर यहाँ पे चलता हूँ तो ये कुछ आपको इस तरीके से आ गया राइट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार रेटिंग क्लास वाला तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो लाइक अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, अब हर एक क्लास नेम्स को यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी समझनी होगी। तो यहाँ पे ये जो आपने क्लास नेम लिखा है ऑब्वियसली यही सुपर हिट या एवरेज जो है यहाँ पे अप्लाई हुई है, तो ये भी जो क्लास नेम है ना अब आप समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश करूँ। अब हर एक क्लास नेम को आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, बस खत्म। एक सेकेंड गाइस, ये तो ऑलरेडी तो जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे हमें इसकी कोई नीड नहीं। आप डायरेक्टली स्टाइल्स डॉट लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट में तो हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को इस तरीके से गेट कर सकते हैं ना, इस तरीके से है ना। सो या दिस इज इट, स्टाइल्स डॉट सुपर हिट, स्टाइल्स डॉट एवरेज एंड स्टाइल्स डॉट रेटिंग एंड देन स्टाइल्स डॉट कार्ड। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे चलता हूँ एंड ये मेरा काम हो गया। सी नॉट लुकिंग बेटर बट स्टिल फ्यू थिंग्स अभी भी बाकी है एंड दैट इज की इनके बीच में एक स्पेसिंग नहीं है। याद है मैंने आपको बताया था मार्जिन बॉटम देन फ्लेक्स दिया हुआ था, मुझे यहाँ चाहिए एंड वो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है चलो इसको भी हम टैकल कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, सो स्टाइल्स डॉट कार्ड कंटेंट कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे चलता हूँ एंड गायब। क्यों याद है मैंने एक चीज आपसे कहा था कि एट द एंड में मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज कंटेंट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आपको फिलहाल बहुत छोटा लग रहा है ये, बट अभी आपको दिखेगा फिर भी ठीक ठाक। दैट इज कंटेंट इज नॉट डिफाइंड एंड बाय द वे वी डोंट हैव एनी कंटेंट। हमारा वो क्या है, वो एक कार्ड कंटेंट है। तो एक क्वेश्चन अब आप लोगों के पास है यहाँ पे, सबसे पहले आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से कितनों ने मेरा ये जावास्क्रिप्ट की वीडियो देखी हुई है। ठीक है वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स देखा हुआ है जिसमें मेरा जो पार्ट टू है दैट इज एडवांस वाला, इसमें मैंने आपके साथ ऑब्जेक्ट्स शेयर किए थे। उस ऑब्जेक्ट में हमने एक चीज देखा था एंड दैट इज कि आप ऑब्जेक्ट में जब भी ये डॉट नोटेशन का यूज करते हो देन आप कौन से ऐसे वेरिएबल्स है जिनको कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज या मेथड्स है जिनको आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट नोटेशन। बट इन आवर केस वी कैन क्लियरली सी लाइक राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू यूज या एक्सेस ये वाली प्रॉपर्टी। क्यों, ये तो क्लियरली कुछ और ही हो गया ना। ये ऐसा लग रहा है कि कार्ड एक अलग है, हाइफन एक अलग है, कंटेंट एक अलग है, बट इन रियलिटी ये तो सब साथ में थे। तो अब आपको ये सोचना है कि मुझे तो जावास्क्रिप्ट आता है, आपको ऐसा फील होता है कि आपको तो जावास्क्रिप्ट आता है, तो मुझे कमेंट करके ये बताओ या आप अपने आप से सोचिए, अपने आप को क्वेश्चन कीजिए ओके अगर ये एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की तो मैं कौन सा कोड लिखूं या कौन सा ऑपरेटर यूज करूं या कौन सा सिंटेक्स में यूज करूं जिसके चलते इसको मैं एज इट इज एक्सेस या यूज कर सकूं, क्योंकि मेरा क्लास नेम तो कार्ड हाइफन कंटेंट ईयर, मुझे यही चाहिए। ठीक है एक शॉर्टकट तो मैं आपको बताता हूं, आप ये कर दो, ये आपका काम कर जाएगा। बट फिर अगेन आपको यहाँ पे भी चलना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी आपको वो ये जो भी है कार्ड अंडर हाइफन हेडिंग ओके ये भी अभी तक हमने यूज नहीं की, मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा। चलो ये भी करके दिखाता हूँ, अगर आप ये करते हो ठीक है यहाँ पे तो ये देखो आपका सब बराबर हो गया, सब बराबर हो गया। लेकिन हम ऐसे हम नहीं करते ना, हम एक रूल को फॉलो कर रहे हैं यार। मुझे अगर क्लास नेम चाहिए तो हम हमेशा हाइफन यूज करते हैं राइट, तो मैं ये क्यों करूं जस्ट बिकॉज क्या मुझे नहीं आता जावास्क्रिप्ट क्या, इसलिए मतलब आपकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है तो ये शॉर्टकट मत अपनाओ, जो है वही है, बस मुझे ये बताओ कि क्या करूं मैं यहाँ पे। सो गाइस यही है चीज आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक, दैट इज कि ऑब्जेक्ट में अगर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जिसको आप डॉट नोटेशन की मदद से एक्सेस नहीं कर सकते देन वी हैव दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना पड़ेगा आपको इस तरीके से एंड देखो फिर भी नहीं हो रहा है ना, इसलिए क्योंकि अब आपको उसको एज अ स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से। ये आपका एक ऑब्जेक्ट का नाम है एंड इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन की मदद से अब आपका ये जो है स्टाइल्स डॉट रेटिंग लिखो डॉट नोटेशन यूज करो या ये बात एक ही है एंड इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, बूम गाइस सी मेरा काम हो गया। तो कैसा लगा, देखा ना आपने कि मॉड्यूल्स जब आप यूज कर रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है अब ये सिर्फ इसी के लिए ही काम करेगा, ये बाकी कहीं काम नहीं करेगा। ऑब्वियसली आपको ये इम्पोर्ट करना पड़ेगा उसके लिए, बट बाकी जगह आप सेम नाम यूज कर सकते हो, अलग फाइल पे भी आप कार्ड हाइफन कंटेंट यूज कर सकते हो अलग मॉड्यूल बना के। तो अब फायदा अपने पास है कि ये पर्टिकुलर फाइल के लिए ही मेरा ये सीएसएस का कोड है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से ये आपका काम करता है एंड मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई ऐसा जब भी आप सीएसएस मॉड्यूल यूज करो देन क्लास नेम्स विथ हाइफन्स
है ना, आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो, एंड दैट इज कि क्लास नेम्स अगर हाइफन के साथ हो कैन समटाइम कॉज इशूज इफ नॉट एक्सेस करेक्टली। इन सीएसएस मॉडल यू नीड टू यूज ब्रैकेट नोटेशन फॉर क्लास नेम्स विथ हाइफन्स। फॉर एग्जाम्पल, ये तो मैंने अभी आपको करके बताया, अब आपको कितना ईजी हो गया इसको समझने में। अच्छा हाँ, ये तो हम करके देख ही चुके। देखो तरीका है यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन, क्यों हम यूज करते हैं। व्हेन एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज विद स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हाइफन्स यू नीड टू यूज ब्रैकेट नोटेशन। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ना कि ऑब्जेक्ट में अगर आप डॉट नोटेशन की मदद से कोई प्रॉपर्टी या मेथड एक्सेस नहीं कर पाते हो, देन आपको ये ब्रैकेट नोटेशन यूज करना पड़ता है। ये हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ी थी, यहाँ पे भी सेम वही है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली रिएक्ट पढ़ने जाते तो आपके माइंड में आता है यार ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ब्रैकेट क्या है, बट हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं। देन डॉट नोटेशन स्टाइल्स डॉट कार्ड हाइफन कंटेंट विल नॉट वर्क बिकॉज ये जो डॉट है ना, ये जो डॉट नोटेशन, इट एक्सपेक्ट अ वैलिड जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर विच कैनॉट कंटेंट। एक वैलिड जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर भी एक इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, क्या हम उसमें हाइफन यूज कर सकते हैं, ऐसा बोलेगा, आपको बोला नहीं कर सकते। ब्रैकेट नोटेशन ऑलरेडी देखो इस तरीके से आपको करना होगा, एंड दिस इज द करेक्ट वे टू एक्सेस एनी क्लास नेम्स लाइक फ्रॉम द स्टाइल्ड ऑब्जेक्ट जिसमें हाइफन या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था आज वीडियो का मेन हाईलाइट यही है, बट फिर भी मैंने आपको रूल्स भी बताए यहाँ पे कैसे कैसे है। एंड एक और चीज की यहाँ पे डायनेमिकली अप्लाई क्लास नेम बेस्ड ऑन कंपोनेंट स्टेट और प्रॉप्स, एंड देन ये जो पर्टिकुलर चीज थी ये वाला, ये भी मेन हाईलाइट है कि कैसे आप अब दो दो स्टाइल्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हो, एंड दोनों क्लास नेम को अगर स्टाइल करना हो तो आपको ये टेम्पलेट लिटरल्स यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो ये मेन हाईलाइट है अपने लिए, एंड दूसरा मेन हाईलाइट था ये इस तरीके से सीएसएस मॉड्यूल्स में कैसे कैसे आप डिफरेंट तरीके से स्टाइलिंग दे सकते हो। एंड रही बात एक और, अब जहां जहां ये स्टाइल्स है राइट, इस स्टाइल्स के बदले अगर मैं थापा भी लिख देता ना, थापा 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 थापा, ओके, तो भी मेरा ये काम करता। देखो तो ये कोई कंपलसरी नहीं कि आपको स्टाइल से लिखना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली हम स्टाइलिंग कर रहे हैं ना, तो ये एक जस्ट एक नॉर्म्स बन गया, सभी अब स्टाइल से यूज करते हैं। बट या दिस इज इट। सो या गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो बहुत पसंद है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट डिफरेंट तरीके स्टाइल्स को इम्प्लीमेंट करने के। ऑल आउट गाइस, तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, तो जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, एंड डैट इज़ कि हर एक क्लास नेम का अपना एक यूनिक नेम जो हमने देखा था पीपीटी में, क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने क्लास नेम्स तो दे दिए यूजिंग सीएसएस मॉड्यूल्स, तब आप नोटिस करना हमारे राइट साइड पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, एंड डैट इज़ कि ये देखो मैंने कॉमन हेडिंग लिखा था, चलो वहाँ तो ठीक है, बट इस जगह पर देखो जो हमारा ये कार्ड कंटेनर है, ये कार्ड कंटेनर के बाद ये जो एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है यही है आपका यूनिक। एंड अभी देखना यहाँ पे 21 लिखा है, F521, लेकिन अगर मैं दूसरे कार्ड पे चलता हूँ, एंड वी हैव अ कार्ड कंटेंट ओवर हियर, आई मीन यहाँ पे भी 03S F5 03S F5, एंड देन हाइफन, यहाँ पे भी -21, एंड देन यहाँ पे भी आपको -21 दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लास है ये सेम होना है ताकि सेम जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो जाए। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे भी इवन ये जो LI का जो क्लास है उसको भी एक डिफरेंट है, तो आप देख पा रहे हो ये जो डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वही चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर आप सीएसएस मॉड्यूल्स यूज़ करते हो देन वो डिफरेंट आपका जो है क्लास नेम बना देता है, एक यूनिक क्लास नेम क्रिएट कर देता ताकि लाइक वो कभी कन्फ्लिक्ट ही ना हो। आप देख सकते हो यहाँ पे भी, एंड गाइस यहाँ पे आपको ये सेम इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ तो हमें सेम ही चाहिए, इस पर्टिकुलर फाइल में तो हमें ये सेम ही चाहिए था, लेकिन अगर हम दूसरे फाइल में अगर इसको ऐड करने जाएंगे तो गाइस वहाँ पे ये सेम नहीं होगा। सो या गाइस, यही था एक हमारा लास्ट पॉइंट जिसमें मुझे ये दिखाना था कि हर एक क्लास का अपना एक यूनिक यू नो क्लास नेम बन ही जाता, तो वो कैसा दिखता था, वो कुछ इस तरीके से दिखता। आई होप आपका ये जो डाउट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। एंड या गाइस, दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए, होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद है। सोर्स कोड एंड सब कुछ नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए। क्या अच्छा लग रहा है कमेंट कीजिए, क्या अच्छा नहीं लग रहा और मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ प्लीज वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड ऐसे ऑसम वीडियोस को आप मिस ना करें। दैट्स व्हाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।